अस्सलाम वालेकुम। बच्चा आवाज आ रही है? थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, मेरे इंटरनेट का थोड़ा सा स्लो हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? कैसे आप सब लोग? हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। आप लोग क्या जानते हैं एमएस वर्ड के बारे में? हम क्यों यूज करते हैं? इसका पर्पस क्या है? हम क्यों यूज कर रहे हैं इसे? हम क्यों इसके ऊपर इसको यूज करने का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, कौन बताएगा मुझे? बच्चों सब लॉग इन है? आप लोग एक्टिव है, प्रेजेंट है यहाँ पे? यस मिस। अपने आप को सब जो है ना अनम्यूट कर ले, ठीक है? आज की लाइव ऐसी है, मिस। जी बेटा, एमएस वर्ड का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, मतलब एडिटिंग, रीडिंग, राइटिंग दोनों कर सकते हैं। अगर आप कभी करना चाहें तो वो एक सा ही रहता है, अगर पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेव रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, हमारे पास ये एक एडिटर है, ठीक है? हम लोग एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं, हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो हम उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? आज हम लोग इसके तमाम के तमाम टैब कोशिश करेंगे रीड आउट कर लें, ठीक है? एमएस वर्ड के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को भी देख लें कि हम लोग प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है? आप तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ हमारे पास जो सिंपल टैब्स हैं इसके, ठीक है? ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? टैब्स कहलाते हैं, ठीक है? हमारे पास होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ठीक है? ये सब हमारे पास क्या है? मेलिंग, रिव्यू एंड, ये सब हमारे पास क्या है? टैब्स है, ठीक है? देन हम इन टैब्स के आगे जब इनकी बात करते हैं, ये हमारे पास एक होम का पूरा क्या कहलाता है, किसी को मालूम है? जैसे यहाँ हम होम के अंदर कुछ देखें, कुछ पेज फॉर्मेट पेंटर्स, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे फॉन्ट की और इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है? हम लोग ये बाकी कुछ बटन्स और इसके अंदर टैब्स बने हुए, ठीक है? ये सब पूरा एक क्या कहलाता है? ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ का पार्ट है, ये स्टाइल का पार्ट है, ठीक है? तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इसका पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाता है इस टैब होम की टाइप के अंदर? किसी को कुछ अंदाजा है, कुछ मालूम है? मिस, टैब्स तो हमारे हैं, लेकिन हम इंसर्ट के अंदर ये जो बाकी पार्ट्स बने हुए हैं, इसका फॉन्ट का है, पैराग्राफ का है, स्टाइल का है, ये सब हमारे पास क्या है? बताएगा मुझे? ये हमारे पास कहलाता है रिबन, ठीक है? कि ये जो होम है, इस होम का ये रिबन है, इंसर्ट टैब का हमारे पास ये रिबन है, सिमिलरली डिजाइन टैब का हमारे पास ये रिबन है, ठीक है? अब हम इसको, आप लोगों में से कितने बच्चों को जो है वो ऑफिस यूज करना आता है, एमएस वर्ड यूज करना आता है? हैंड रेस करें सब जल्दी से, अगर जिस इसको यूज करना आता है। अरुण के अलावा सैयद, बिलाल, बचिया, ठीक है?
बेसिकली आप लोगों की फर्स्ट रैप थी जिसको हम लोगों ने सिर्फ इसलिए थोड़ा सा एंड में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में हम लोग वो लैब्स करा सके जिसकी बेस पे आप लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट बना सके। कितने बच्चों का प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट हो चुका है? बच्चों कितना का अब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट? अरुण कुमार का हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट बेटा, और किसी का? यस मिस, थोड़ा सा अपडेट करना है जावास्क्रिप्ट को, बाकी सब ठीक है। अगर आप लोगों को ये मुनासिब लगे, जैसे अब हम लोगों ने तो इसकी डेट को थोड़ी सी मेंशन कर दी है मेरे ख्याल से, मैंने तो मैंने यहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट की वो कर दी है, काफी सही है ना। यहाँ पे आप लोगों की प्रोजेक्ट सबमिशन होगी, यहाँ पे आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा यहाँ पे लास्ट वीक में। मैम हमारे जो फाइनल्स होंगे वो पेपर से पहले होंगे, यानी थ्योरी वाले पेपर से पहले होंगे, उनके बाद होंगे? पहले होंगे आपके, ठीक है। थ्योरी पेपर आपके इस वीक के बाद वाले वीक में होते हैं, और जो ये लास्ट वीक होता है इसमें आप लोगों का लैब एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट सबमिशन आप लोगों के ऊपर बेटा ये मर्जी है, चाहे आप इस वीक के जो भी वीकेंड आए आप मुझे पहले से डिसाइड करके बता दीजिएगा। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट कम्प्लीट है तो आप लोग मुझे पहले भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक सेशन क्रिएट करेंगे, उसमें जिन जिन बच्चों का फिर हो गया होगा तो वो कम्प्लीट हो गया हो जाएगा तो हम उसकी प्रोजेक्ट की सबमिशन ले लेंगे, नहीं तो ना हम एग्जैक्टली इसी दिन फिर हम मैंडेटरी होगा आप लोगों को सबमिट कराना। ये आप लोगों की लास्ट डेडलाइन है, आज से आप लोगों की डेडलाइन स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग यहाँ पे आपकी लास्ट डेडलाइन है, ठीक है। ये इस दिन आपके जो फ्राइडे आएगा उसमें आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, 25 जून होगा आई थिंक फ्राइडे नेक्स्ट आप लोगों का प्रोजेक्ट सबमिशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लोगों का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम ऑफिस किस को चूज करें, एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ड को, ठीक है। तो हम बता चुके हैं यहाँ पे ये हमारे पास टैब्स होते हैं और इन टैब्स के अंदर जो इसका पार्ट पूरा कंप्लीट होता है ये रिपेंट कहलाता है। देन हम मूव करते हैं कि हम लोगों को जो भी अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, जो भी हम लोगों ने ये रिपेंट के पार्ट्स को अप्लाई करना है, ठीक है, चाहे वो फॉन्ट है चाहे पैराग्राफ है, उसके लिए हमें कुछ पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो वैसे इसके लिए मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करूँ, हमारे पास एक नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट वो होता है पैटर्न, उसमें हम क्या करते हैं रैंडम के थ्रू हम लोग अपना क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, मैंने इक्वल रैंडम के पहले फॉर वर्ड्स लिखे RANDT, एंड देन मैं इसके यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं कि पहले पार्ट में मैं क्या चीज डिफाइन करना चाह रही हूँ, मैं पहले पार्ट में उसके पैराग्राफ डिफाइन करना चाह रही हूँ, और सेकेंड लाइन में हम लोग जो है इसके सेकेंड पार्ट में हम डिफाइन करेंगे कितनी नंबर ऑफ लाइन्स होंगी उस पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, सबको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करूँ इसका, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। देन क्या है, मैंने रेंट इक्वल रेंट एंड देन टू टू मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं चाह रही इसके अंदर फाइव लाइन्स हो, ठीक है, ये मैंने इक्वल प्रेस कर दिया। तो ये वो पैटर्न है जिसके थ्रू क्या है मैंने क्या किया है एक अपना क्रिएट कर लिया, कुछ अपना पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैंने एकदम भी अपना वो क्रिएट कर लिया वर्ड की फाइल, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको आप थोड़ा सा बड़ा क्रिएट कर लेती हूँ ताकि इक्वल एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 10 पैराग्राफ ले लेती हूँ, हर पैराग्राफ की 10 ही लाइंस हो, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरे पास क्रिएट हो गया 3 पेजेस का, मैंने इसको क्रिएट कर लिया अपने पास, ठीक है बच्चों। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे, अपनी बेसिक सारी चीजें देखेंगे। मैक्सिमम आप लोगों को चीजें आती हैं इसलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इसको इतना डिटेल में चीजें ना जाए, बस वो हम लोग पढ़ें जो हमारे पास इससे डिटेल हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे, अब क्या है हमारे पास होम के बटन में हमारे पास है फॉन्ट। फॉन्ट में हम लोग यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी जो भी हमें फॉन्ट चाहिए हो हम लोग वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा बहुत फेवरेट है टाइम न्यू रोमन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना मैंने अपनी वर्डिंग को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया तमाम मटेरियल को, क्या प्रेस किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए, ठीक है।
देन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अपनी टाइपिंग सिलेक्ट कर ली कि मुझे कौन सा फॉन्ट चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग कोई भी फॉन्ट अपना रखना चाहें अपनी पसंद का, तो वह आप सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फॉन्ट। देन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इससे नेक्स्ट इसका साइज, कि मैं यहाँ पे चाहूँ जो भी साइज मैं इस अपने मटेरियल का रखना चाह रही हूँ, जो मैंने इसके अंदर पैराग्राफ्स ऐड किए हैं, मैं इस तरह से उसके फॉन्ट को चेंज कर सकती हूँ उसके साइज को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है। देन हमारे पास यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, इसका कि हम लोग इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे अब यहाँ पे ये 11 है तो 11 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 12। तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ किसी करने के बजाय इंक्रीज करती हूँ इस टैब से, इस बटन को प्रेस करके, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको रिड्यूस करूंगी तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 12 हुआ, देन 14 हुआ। अगर मुझे इस यहाँ पे कुछ इन्होंने अपने डिफाइन किए हुए हैं पैटर्न, ठीक है, अगर मुझे 14 के बीच में देखें, 12 एंड 14 के बीच में 13 नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा जो फॉन्ट साइज है वो 13 हो, तो मैं बाय डिफॉल्ट अपना भी टाइप करके यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकती हूँ कि अब 13 हो गया, ठीक है। आप देखें 13 है, 14 में प्रेस करती हूँ जो इसका ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो 14 से और 13 से फर्क भी पड़ेगा। ये देखिएगा थोड़ा सा फर्क आया, सबने नोट किया ये? मैंने जैसे 14 करके इंटर प्रेस किया तो थोड़ा सा इसके साइज में फर्क आया, ठीक है, जबकि 13 इसके फॉन्ट में डिफाइंड नहीं है। मैंने अपना टाइप करके उसमें कर दिया कि मुझे 13 साइज की चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट में नहीं है। और ये जो हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज है, ये इस बाय डिफॉल्ट वाले को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात सब बच्चों को? देन हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये आपके पास बोल्ड है। अगर हमें किसी वर्ड को बोल्ड करना, फॉर एग्जांपल मैंने इस वीडियो को बोल्ड करना है, या मैं इसको यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेती हूँ, मुझे उस हेडिंग को बोल्ड करना है, मैं उस हेडिंग को नाम दे देती हूँ एमएस वर्ड लैब, ठीक है। तो मैं अब इसको चाह रही हूँ ये बोल्ड हो जाए हेडिंग, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब चूंकि ये हेडिंग है जो कि मैंने अपनी डिफाइन की है हेडिंग, मैं चाहती हूँ ये बोल्ड होने के बाद इटैलिक भी हो जाए और इसके अंडरलाइन भी आ जाए। मैं अंडरलाइन को भी डिफाइन कर सकती हूँ, मुझे कितनी अंडरलाइन चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3 जिस डैश चाहिए, जो भी चाहिए, यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको क्रॉस करने में, अगर जैसे आप लोगों को कोई वर्डिंग है नहीं पसंद आ रही है, जैसे कवर पेज है नहीं है, तो आप इसे क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास क्रॉस लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर है ये बात। जब हमें कोई ऐसी वर्डिंग हो जहाँ हम लोग नॉर्मली वर्डिंग यूज, इसमें तो हम लोग वर्ड में बहुत कम यूज करते हैं, जहाँ पे हमें अपनी एडिटिंग को शो करना हो कि हमने ये एडिटिंग की है, और देन हम लोग बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड ऐसा लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिर्फ पेज लिखना था और मैंने कवर पेज गलती से लिख दिया, ठीक है, तो मैंने कवर पेज को काट के पेज कर दिया, तो हमने जहाँ पे अपनी एडिटिंग पहले शो करनी हो कि हमने मॉडिफिकेशंस की है, वहाँ पे हम लोग ये वाली लाइन इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया सारा हमारे पास। देन हमारे पास ये है, ये किसी को मालूम है कि हम लोग डबल एक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? आप देखें, मैं जैसे इसके ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये मुझे बताएगा कि ये कहाँ पे, ये वाला जो टैग है इसका, ये वाला जो एक बटन है पार्ट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज केस को। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू पर्सन है जिसको अभी एमएस वर्ड यूज करना नहीं आता और उसके पास ये सारे टैब है, तो वो क्या कर सकता है, इस टैब के ऊपर बस माउस रखेगा एंड देन आपके पास इसकी यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है चेंज केस, कि ये जो हमारे पास पार्ट है इसका, ये बटन है, ये जो टैब है, ये क्या करेगा, ये चेंज केस का काम करेगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी कि आप चेंज केस में क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है एक, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और चेंज केस में से मैं सबसे पहले सेंटेंस केस का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे हम जब चेंज केस कर रहे हैं तो सेंटेंस केस क्या करता है, लोअर केस क्या करता है, अपर केस क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, टॉगल केस क्या करता है, मुझे जल्दी जल्दी कोई डिफाइन करते हैं। जिस कैपिटल छोटे वर्ड को बड़ा कर देगा, लोअर बड़े वर्ड को छोटा कर देगा, टॉगल में से वो कैमल केस में कर देगा, पहला वर्ड छोटा। सेंटेंस केस में क्या होगा, हमारे पास पूरे एक सेंटेंस को खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आएगा, नेक्स्ट वर्ड बढ़ाएगा, ठीक है।
लॉर्ड केस में क्या होगा, तमाम के तमाम हमारे पास जो पैराग्राफ होगा सिर्फ लॉर्ड केस में आ जाएगा, चाहे वो हमारे पास डॉट के बाद जब हम लोग न्यू सेंटेंस स्टार्ट करें वो भी हमारे पास स्मॉल में आ जाएगा। अगर हम लोग करते हैं इसको अपर केस तो तमाम के तमाम हमारे पास जो अल्फाबेट्स है वो कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास अपर केस डिफाइन हो जाएगा यानी कि कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अगर हम लोग इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो जो भी हमारा पहला वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला, जो भी हमारे पास एक वर्ड है उसका पहला अल्फाबेटिकल जो है अल्फाबेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो का वी, प्रोवाइड का पी, एंड देन ए फिर पावरफुल का पी, ये सब हमारे पास क्या हो गए, कैपिटलाइज हो गए। देन हमारे पास क्या है, टॉगल केस, टॉगल केस में क्या है कि कुछ बड़े कुछ छोटे मिक्स हो रहे होंगे बीच में, ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है। देन हम लोग इसको नॉर्मल सेंटेंस केस करते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसकी डिजाइनिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई से भी जो आप लोग अपना यूज करना चाह रहे हैं कोई भी वर्ड अपना सिलेक्ट कर ले, मैं एमएस वर्ड के ऊपर आपको करके बता देती हूँ अपनी हेडिंग में, ठीक है, मैं इसमें बल्कि हेडिंग यहाँ नजर नहीं आ रही, हम लोग इसके आप देख सकते हैं जो भी हम लोग यहाँ से बाई डिफॉल्ट यूज करना चाहें तो हम उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग आ रहे हैं अपना इस पर, ये हमारे पास क्या हाईलाइट कलर, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने आप को, जो हमारे पास ये एमएस वर्ड है जो हम अगर हम किसी रीड करते हुए या कोई अपना वर्ड है जो भी हमारे पास सेंटेंस है उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास वो हाईलाइट हो जाएगा जो भी हम कलर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें। जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट को यूज करते हुए हम लोग हाईलाइटर यूज करके हुए अपने उसको हाईलाइट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हाईलाइटर्स के कलर्स हैं। सिमिलरली हमारे पास ये क्या डिफाइन करता है, ये बेसिकली हमें डिफाइन करता है जो भी हमारे पास यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वो है फिल इन द ब्लैंक्स बनानी या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मेरे इसमें पैराग्राफ में, मैं उनको जो है कलर चेंज करना चाह रही हूँ। जैसे आप हम लोग अपना आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग HTML यूज कर रहे थे उसमें भी हम लोग अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे थे, तो उस टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो उसमें हम लोग जो है डिफाइन कर रहे थे सिलेक्ट कलर्स को, यहाँ पे हम लोग जो है वर्ड में भी हम सेम वैसा काम कर सकते हैं, और वैसा काम करने के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये हेडिंग है, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, मैं इसको चाह रही हूँ ये किसी और कलर में डिफाइन हो, ब्लैक के बजाय मैंने इसको स्काई ब्लू कर दिया, मैंने इसको ये ग्रीन पैरेट ग्रीन कर दिया, जो भी मुझे इसका कलर डिफाइन करें मैं उस तरह से उस टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद इन पार्ट्स पे, ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ की क्या है अलाइनमेंट्स की लाती है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई मुझे बताएगा हमारे पास ये डिफाइन क्यों है अलाइनमेंट सीक्वेंस आ जाता है, ये लेफ्ट से राइट जाता जाएगा, एग्जैक्टली ये राइट आंसर देगी और लेफ्ट, ये हमारे पास क्या है अलाइनमेंट्स है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट्स है कि हम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास सेंटर है कि हम लोगों का अपनी जो भी टेक्स्ट है जो भी पैराग्राफ है उसको सेंटर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट अलाइन है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारा राइट साइड से ये एक अलाइन हुआ हुआ है। देन हमारे पास नॉर्मली जस्टिफाई कहलाता है, जस्टिफाई में क्या होता है कि दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट वो क्या होता है अलाइन हुआ होता है, जो मोस्टली आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, हम मोस्टली जो है जस्टिफाई यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हुए, अपनी प्रोजेक्ट की फाइल्स को, या फिर कहीं पर भी आपने न्यूज़पेपर कुछ भी देखा होगा आपने, तो उन पैटर्न्स में क्या होता है कि हमारे पास बुक्स आप लोगों ने रीड की होंगी तो वो जस्टिफाई फॉर्मेट में होता है। इस तरह से आप देखें लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या राइट साइड सारी मिसबैलेंस है, ऐसे ही है, जबकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे आप इस वाले पैराग्राफ में देखें हमने जब जस्टिफाई किया तो दोनों साइड से इक्वली अलाइन है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और आ रही है, मैं आपको यहाँ पे इसका स्पेस देके बताती हूँ, वही मुझे इन दो के बारे में बताएगा, ये दो क्या है हमारे पास टैब्स, सुपरस्क्रिप्ट्स एंड हमारे पास सबस्क्रिप्ट, कोई बताएगा मुझे, किसी को मालूम है ये बस फार्मूला जैसे हम लिखते हैं H2O CO2, हाँ एग्जैक्टली इनके लिए जैसे हमारे पास H2O मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये 2 जो है ये ऐसे तो नहीं होता ना हमारे फॉर्मूले में, जब हम लोग H2O की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है सबस्क्रिप्ट होता है, तो मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये सबस्क्रिप्ट में फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह से कोई फॉर्मूला है उसके ऊपर हमारी कोई पावर है और पावर मैं चाह रही हूँ कि वो हमारे पास क्या हो जाए सुपरस्क्रिप्ट हो जाए, तो मैं उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पैटर्न होते हैं, क्लियर है ये बात, ये हम वहाँ यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को राइट कर रहे हो या कोई अपना थीसिस राइट कर रहे हो, अगर वो कोई वो एक्सपेरिमेंट बेस हो
तो उसमें हम लोग इस तरह से अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये सब हमारा तकरीबन पार्ट हो गया। देन आप लोगों के पास यहाँ पे आती है लिस्ट। हम लोगों ने लिस्ट याद हो तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हम लोगों ने HTML को भी यूज करते हुए सीखी थी। सिमिलरली हमारे पास कुछ लिस्ट यहाँ पे भी क्रिएट होती है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन क्या लिखती हूँ, फ्रूट नेम लिख लेती हूँ, फ्रूट नेम, ठीक है। ठीक है, ये हमारे फ्रूट नेम्स हो गए। तो इसको मैंने अब लिस्ट नेम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हमारे पास बुलेट फॉर्म में भी है, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मेट में भी, इसको जो भी हम लोगों को फॉर्मेट लेना हम यहाँ से ले सकते हैं। नंबरिंग भी है हमारे पास, ठीक है, 1, 2, 3 हम लोग जो भी नंबर्स देना चाहें, ठीक है। और हमारे पास ये ऑर्डर भी है, ठीक है, जिससे हम लोग जो है अपना इस पार्ट को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये फ्रूट नेम है तो यहाँ पे मैं सॉरी फॉर एग्जाम्पल फ्रूट के बाद कुछ और भी हमें इस तरह से लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाने के अंडर जो है इसको लेकर आना चाहिए, मैंने सबको पहले एक लिस्ट नेम दे देती हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने ये दी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एप्पल जो है वो बनाना के अंडर आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे रख के टैब का बटन प्रेस किया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1। और देखिए ये 2 से खुद ब खुद रिमूव हो गया, इसके अंडर आ रहे हैं, इंटेंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। इंटेंट इसका मतलब ये इसका पार्ट बन गया। देन हमारे पास आप देखें, ये हमारे पास 2 नंबर था, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अब 2 नंबर पे क्या बन गया, मैंगो। क्लियर है ये बात। इस तरह से हम लोग जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आती है, मैं इसको पैक कर रही हूँ, इंटेंट एंड आउटेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिक्रीमेंट कह लें, और ये हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट है। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या चीज है, हम लोग किस तरह से इसको डिक्रीज और इंक्रीज करें इस इंटेंट को, इंटेंट काम क्या करें यहाँ पे। मैसे मार्जिन और पेंडिंग, जैसे हमने मार्जिन यूज किया था एचटीएमएल पेजेस में। एग्जैक्टली, ये भी हमारे पास कुछ ऐसे काम कर रहे, ठीक है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा आगे मूव करना है, यानी कि इंक्रीज करनी है इसकी, यहाँ पे स्पेस मुझे इंक्रीज करनी है, तो मैं इसके लिए इंटेंट कौन सा यूज कर रही हूँ, इंक्रीज का। अगर मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड से जो है स्पेस डिक्रीज करनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रीज का इंटेंट यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये काम करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग नॉर्मली, जब आप लोग भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह अपना MS करेंगे और फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप जब उसके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट का जो है अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। जब हम लोग किसी काम करते हैं ना, किसी कॉन्फ्रेंस कोई पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर वगैरह, तो उसमें हमें फॉर्मेट दिया जाता है कि आपने ये फॉन्ट साइज रखना है, ये फॉन्ट होना चाहिए आपका, और इसका जो है ये लाइन स्पेसिंग ऐसी होनी चाहिए। सब कुछ हमें प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग भी यही करती है, ठीक है। अब मैं अगर बताऊँ आपको, आप देखें हमारे पास ये बनाना है, एप्पल, मैंगो, पीच, वाटरमेलन, ये सब क्या आ रहे हैं, एक नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे अलाइन हुए हैं, ठीक है। मैं अभी इसको सिलेक्ट करके आपको थोड़ा सा क्लियर इसलिए करी क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल एरिया में लिखा हुआ है, तो आप लोग जल्दी देख सकते हो। बाई डिफॉल्ट ये हमारे पास होता है। देन हम लोग ने 1 किया तो थोड़ा सा देखिए इसका स्पेस कम हुआ, देन इंक्रीज 1.15 है। देखिए आप जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करें तो इसका लाइन स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या रहे, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि आप लोगों या तो अपना जो पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले स्पेस एड कर सकते हैं, और जो हमारा पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको दो पैराग्राफ के बीच में ये करके बता देती हूँ, ठीक है। हम कैसे ऐड करें और कैसे रिमूव करें, हमारे पास ये दो पैराग्राफ 3 शो हो रहे हैं यहाँ पे इस वाली पेज के यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखें इस पैराग्राफ के एंड में और दूसरे वाले पैराग्राफ के स्टार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये स्पेस दी है, ये वाली स्पेस, ठीक है। इस स्पेस को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं इसको, अगर मैं यहाँ से क्योंकि सब ऐड है मैं रिमूव करना चाह रही हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, एक स्पेस ऐड है, ठीक है। मैंने इसको रिमूव करी हूँ तो देखिए यहाँ से स्पेस मूव हो गई, ठीक है, हमने रिमूव कर दी। सिमिलरली हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड स्पेस कर दिया। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी ऑप्शन के हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब जो ऊपर इसके पार्ट है उसमें हमारे पास स्पेस क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इस तरह से हम लोग इसमें अपने स्पेस ऐड और मूव कर सकते हैं, ठीक है, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं।
देन हम बात करते हैं अपने ये तो सारे हमारे पास क्या है नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट है ठीक है स्टाइलिंग है या आप लोग बाय डिफॉल्ट इसको इतना खास यूज नहीं करते कि आप लोग कौन सा इसमें से फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ठीक है ये देखें आप लोग इस तरह से हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम जो यहाँ पे अपनी वर्डिंग यूज करते हैं हम लोग यहीं से सिलेक्ट करते हैं अपने फॉर्म की स्टाइलिंग वगैरह हम इन वाले स्टाइल्स को बहुत कम यूज करते हैं नॉर्मली मैं आपको बात बता रही हूँ ठीक है देन हमारे पास टैग आ रहे हैं कौन कौन से टैब्स आ रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस तो ये कोई मुझे बताएगा क्या है फाइंड एंड रिप्लेस हम क्या करते हैं यानी कि किसी वर्ड को हमें ढूंढना पर्टिकुलर एग्जैक्टली फाइंड क्या हमारे पास अगर हमने किसी वर्ड को सर्च करना है ठीक है उसके लिए हमारे पास अगर शॉर्टकट हम लोग की देखें तो किसी को मालूम है हम क्या यूज करते हैं हमें किसी एफ कंट्रोल एफ कंट्रोल एस से हम लोग क्या करते हैं सेव करते हैं ठीक है और कंट्रोल ए से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट हमें यहाँ पे आ गया हमारे पास अब क्या आ रहा है वर्ड हमारे पास नेविगेशन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वीडियो को फाइंड आउट करना है ठीक है देखिए हमारे पास जितनी भी वीडियोस हैं वो सब यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है जिस जिस पैराग्राफ में आ रही है जिस जिस लाइन में आ रही है वो उसकी भी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ठीक है इस तरह से हमारे पास जितनी भी आ रही है हम लोग यहाँ से भी इसको जा जाके नेक्स्ट कर सकते हैं अगर मैं इसे इसका मैं नीचे टाइप करूँ तो मैं इसके शॉर्ट फॉर्म पे भी ये बात कर सकती ठीक है यहाँ पे हमारे पास ये पेजेस को डिफाइन कर रहे हैं अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन यूज किया हो तो देखा होगा यहाँ पे हमारे पास उस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड लेफ्ट साइड पे शो हो रही होती है यहाँ पे उसी तरह से हमें पेजेस भी शो हो रहे हैं ठीक है कि हम किस पेज पे पहुंच गए हम लोग इस पेज पे इस पेज पे हम लोग जहाँ अपने एलिमेंट को सर्च करें वो सब यहाँ पे आ जाता है देन अगर हमारे पास आता है रिप्लेस कवर ठीक है रिप्लेस है यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो को सर्च किया था मैं यहाँ पे कुछ और भी अपवर्ड कर सकती हूँ ठीक है मैंने फॉर एग्जाम्पल टू कर रही हूँ टू करो तो बहुत ज्यादा वर्ड्स आएंगे मैं वीडियो को ही रखती हूँ यहाँ पे रिप्लेस में भी ठीक है क्या हमारे पास है ठीक है फाइंड नेक्स्ट हमारे पास अब देखिए अब फाइंड नेक्स्ट आ रहा है अगर मैंने पहले क्या था सर्च में किया हुआ था तो सारे एलिमेंट्स आ रहे थे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो को वीडियोस में कन्वर्ट करना है ठीक है तो हमारे पास क्या आया मैंने इसको फाइंड किया मैं इसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ देखिए आप लोगों को शो हो रहा है ये हाईलाइट हुआ हुआ एलिमेंट ग्रे कलर में यस मिस ठीक है मैं इस वीडियो को आप रिप्लेस कर रही हूँ वीडियो से मैंने जैसे रिप्लेस पे क्लिक किया यहाँ पे मैंने लिखी थी वो सर्च एलिमेंट और मैंने किस वो रिप्लेस करना है मैंने उसका एलिमेंट लिख दिया ठीक है रिप्लेस कर रही हूँ मैं वीडियो से तो देखिये वीडियोज आ गया खुद ब खुद ये क्लिक कर गया नेक्स्ट एलिमेंट पे जो भी हमारा नेक्स्ट वर्ड था उस पर क्लिक कर गया मुझे इसे अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको रिप्लेस नहीं करना ठीक है तो मैं क्या करूँगी इसको लीव करके फाइंड नेक्स्ट पे चली जाऊंगी कि मैंने इसको ये वाला हाईलाइट हुआ था ना इस हाईलाइट वाले वीडियो को मुझे रिप्लेस नहीं करना मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैं अगेन फिर इसके ऊपर रिप्लेस कर सकती हूँ ठीक है एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग बाय वन करके करें अगर किसी को नहीं करना हमने रिप्लेस तो हम उस एलिमेंट को रिप्लेस ना करें ठीक है और एक हमारे पास ऑप्शन क्या है रिप्लेस ऑल की हम लोग तमाम के तमाम एलिमेंट को एक ही दफा में रिप्लेस करते हैं ठीक है कोई ऐसा एलिमेंट जो हम लोग चाह रहे हैं उसको रिप्लेस करना है हमने तमाम एलिमेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में रिप्लेस करना है तो हम पहले से इसके एक एक को सर्च करने की हम कम्प्लीट रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन है कि जिसे हमने रिप्लेस करना है हम उसे रिप्लेस करें फाइंड नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे रिप्लेस नहीं करना था मेरे पास कुछ ऐसी ऑप्शन है मैं सबको रिप्लेस नहीं करना चाह रही तो मैं इसको नहीं करना चाह रही तो मैं नेक्स्ट गई नेक्स्ट में जो हमारे पास है मैंने उसको रिप्लेस कर दिया ठीक है हमारे पास नेक्स्ट में यहाँ पे ये आ रहा है अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ठीक है देन अगेन मेरे पास ये नेक्स्ट आ रहा है मैं इसको नहीं करना चाह रही मैं फिर माई फाइंड नेक्स्ट पे जाऊँगी फाइंड नेक्स्ट मेरे पास ये मूव आ रहा है मैं फॉर एग्जाम्पल इसको रिप्लेस करना चाह रही फिर मेरे पास ये वर्ड आ रहा है मैं इसको भी चाह रही हूँ रिप्लेस कर दूँ ठीक है यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स फिनिश हो गए ठीक है तो ये हमारे पास पैटर्न होता है रिप्लेस का नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते हैं इंसर्शन इंसर्शन में हमारे पास क्या क्या है हम लोग कवर पेज ऐड कर सकते हैं ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं हमारे पास क्या है पेज ब्रेक कर सकते हैं ठीक है मुझे कोई बताएगा कवर पेज ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक क्या काम करते हैं अरुण के अलावा आप मुझे कोई बताएं मिस मैं अली बता रहे हैं वजह रसूल वजह आप बता दें हेलो मैम ब्लैंक पेज जो होता है वो हम लोग एक तरह से एक और ब्लैंक पेज ऐड कर देते हैं और जो पेज ब्रेक होता है अगर उसको हम एक तरह से एक बीच में जो आता है एक और पेज ऐड हो जाता है
दोनों में तो आप एडिशन बता रही बेटा, आप कह रही हैं ब्लैंक पेज में भी एक ब्लैंक पेज कम और पेज ब्रेक में, और जो अगर पेज ब्रेक के अंदर अगर ये एक फर्स्ट पेज है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सही सादली बेटा आप बताएं। मिस पेज ब्रेक बेसिकली ये होता है कि जो अगर पेज के बीच में हमें एक लाइन मतलब बनानी है कि इसको अलग अलग करना है, एक पेज है, एक पेज को अगर हम दो तरीके में अलग करना है तो वो पेज ब्रेक हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। सैयद बिलाल बेटा आप बताएं। पेज ब्रेक में होता है कि जैसे अगर 10 लाइंस के बाद जो है हमें पेज को खत्म करना है तो वो पेज जो है ना छोटा सा ही अलग हो जाता है और अगला पेज जो है स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो पेज दो हिस्सों में नहीं होता, वो पेज छोटा ही अलग हो जाता है। इस पैराग्राफ से पेज ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया, इंटर करने लगी हूँ, ठीक है। क्या हुआ मेरे पास कि जहाँ से मैंने पेज ब्रेक किया तो वहाँ से मेरी हेडिंग्स नेक्स्ट पेज पे मूव हो गई, नेक्स्ट पैराग्राफ जो जहाँ से मैंने मूव ब्रेक किया तो वहाँ पे आप इस वाली जगह को देख लें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा पेज क्या है, ब्लैंक आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे हमारी क्या चली, बाकी का पैराग्राफ, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। मैं कंट्रोल सेट कर रही हूँ ताकि मेरा प्रीवियस एलिमेंट आ जाए। अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या करेगा, जैसे ही मैंने ब्लैंक पेज किया, देखें यहाँ से मेरा पेज जाने के बाद पूरा रिमूव होने के बाद एक ब्लैंक पेज पूरा का पूरा ऐड हो गया, देख रहे हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में। एंड देन हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास पैराग्राफ था वो थर्ड पेज से स्टार्ट हुआ। फर्क समझ में आया बच्चों? बच्चों फर्क समझ में आया? ब्लैंक पेज में क्या हुआ था, ये वाला पेज ब्लैंक ऐड हुआ था बस, बाकी क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने पेज के ऊपर ब्रेक लगाया था, ब्रेक लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट ये पेज आ गया था। ब्लैंक पेज में क्या होता है, पूरा न्यू ब्लैंक पेज हमारे पास इंसर्ट हो जाता है। क्लियर है बजिया बेटा? यस मैम। यस मैम क्लियर। अगर हम लोगों को, आप लोगों को इस बात का भी अंदाजा होगा कि मैं कंट्रोल सेट करके अपनी पूरी पैराग्राफ सेट कर, ठीक है। अब देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर पेज, आप लोगों को अंदाजा है क्या है हमारे पास कवर पेज क्या होता है, हमारे पास हमने कवर पेज ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ यहाँ पे आप देखें, मैंने इस एरो पे क्लिक किया था डाउनवर्ड तो मेरे पास कुछ टाइप्स डिफाइंड होती है, तो यहाँ से आप लोग जो है अपना बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ कलर वो पेज भी कवर पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो ये मेरा इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कवर पेज ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हुआ स्टार्टिंग में, देन हमारे पास पेजिंग ऐड हुई, ठीक है। ये इसको पहले देखें, अगर मैं नहीं ऐड करती, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये पेज वन था, ये पेज टू था, ये पेज थ्री था, लेकिन जब मैंने इसमें कवर पेज ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिंपल ऐड कर देती हूँ, तो ये हमारे पास इसको काउंट नहीं कर रहा है, इसको जीरो कह रहा है, ठीक है। हमारे पेज कहाँ से, क्योंकि अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम कवर पेज ऐड करते हैं ना, मोस्टली हम लोग उसका हेडर फुटर मोस्टली हम जीरो ही रखते हैं कि वो कवर पेज है, उसके ऊपर कोई भी हेडर और फुटर ऐड नहीं होता, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं कि हम लोग क्या करें सर, लैब 10 कर रहे हैं एमएस वर्ड की, ठीक है, तो मैंने इसका टाइटल पेज ऐड कर दिया। देन मुझे जो भी यहाँ पे करना है, ठीक है, कंपनी नेम आ गया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी सुफा यूनिवर्सिटी का नाम लिख देती हूँ, PHA, ठीक है। एंड देन हमारे पास कंपनी एड्रेस, कोई भी उसका एड्रेस है, ठीक है, DHA में हम उसे फिर DHA कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस पैटर्न से हम लोग अपना कवर पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या बच्चे, यहाँ पे टेबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, हम लोग जो इसमें ऐड कर सकते हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट हमारे पास आर्ट है, चार्ट है, एंड देन हमारे पास स्क्रीनशॉट, तो हम लोग, आप लोगों को पता है कि स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास इसमें प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म वहीं से यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करते हैं टेबल्स। टेबल्स से कितने बच्चे अवेयर हैं, हम लोग यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कॉलम्स ऐड करने हो तो हम कैसे ऐड करते हैं, इस फॉर्मेट से, हमारी एक रो के ये कॉलम्स हैं, ठीक है।
10 कॉलम्स है वन रो के, ठीक है। तो ये हमारे पास पैटर्न है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को छोटा सा टेबल ये क्रिएट कर दूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया बच्चों, तो यहाँ पे देखें हेडर रो है हमारे पास और देन हमारे पास बैंडेड रो है, ठीक है। ये हमारे पास बैंडेड रो क्या होते हैं कि हमारे पास ये ऑल्टरनेट कलर्स में डिफाइन कर देती है। आप यहाँ पे इसके एग्जांपल में देखें, मैंने अगर सिर्फ अभी माउस रखा हुआ तो आप लोगों को इसके नीचे शो हो रहा है कि हमारे पास दो कलर्स में एक स्काई ब्लू एंड देन व्हाइट इसमें डिफाइन हो रहा है। हम इसकी ना थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं कि ये कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, अभी मैं पहले आपको इसका पैटर्न दूसरा दिखाती हूँ, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, इसका ये है मेरे पास, ठीक है, हेडर। और मैं यहाँ से इसके जाके टेबल की स्टाइलिंग भी चेंज वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है सिलेक्ट, जो भी मुझे वट एवर अपना क्रिएट करना है मैं उस पैटर्न को सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने ये अपना टेबल क्रिएट किया, ये वाले कलर्स हमारे पास एक जैसे आ रहे हैं एंड देन हमारे पास ये हेडर है, हेडर इन्होंने थोड़ा सा डार्क ब्लू किया, देन ये अल्टरनेट कलर्स में आ रहा है कि हमारे पास ये थोड़ा सा लाइट कलर है स्काई ब्लू का, स्काई ब्लू इसको कह सकते हैं, ये व्हाइट है एंड देन अगेन इस कलर को रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक आपको रो और ऐड करके दे देती हूँ, तो आप देखिए मैंने कुछ रोज ऐड किए हैं, तो अल्टरनेट कलर्स आप लोगों का अब ये हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करते हुए इसके डिजाइन में जाके इसको रिमूव कर देती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा सेम कलर हो गया, क्योंकि मैंने इसमें बैंडिंग क्रॉस रिमूव कर दिए कि मुझे अल्टरनेट कलर्स की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक हेडर चाहिए एंड देन मुझे क्या चाहिए, इस तरह से मैं इसके अपने पार्ट्स को डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे इसमें शेप चाहिए मैं वो शेप सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे जिस पैटर्न का भी चाहिए वो वाली मैं स्टाइलिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे अपने जो है हमारे पास ये है, ठीक है, क्रॉस। अब देखिए हमारे पास कुछ पैटर्न्स ये हैं कि हम लोगों ने अगर चाहे, ये मेरे पास एक रो है यहाँ पे, आप ये प्लस साइन देख रहे हैं ये वाला, इसका मतलब ये मैं इसके अंदर रोज ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है आप हमारे पास वर्ड में कि हम इस पैटर्न से जो है अपनी रोज ऐड कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ इसको, मैं यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ से मैं इसमें कॉलम्स ऐड कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग इसमें रोज एंड कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से पैटर्न है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा अनइवन ऑर्डर्स में इसके रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन कर देती हूँ। मैंने इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज और डिक्रीज कर दी है, इस फॉर्मेट में बना दिया, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला बाय डिफॉल्ट, अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर खुद का खुद ही जो है पैटर्न इसके कुछ इस तरह से डिफाइन करती हूँ अपने टेबल्स के, कि जहाँ पे हमारे पास रोज और कॉलम्स अन इवन डिस्ट्रीब्यूटेड, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि हमारे पास लेआउट में हम जाएंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स आप देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जैसे प्रेस करूंगी, आप लोग ये देखेंगे अन इवन कॉलम्स मेरे बने। मैंने जैसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम किया तो ये हमारे पास सारे डिस्ट्रीब्यूट जो कॉलम्स जो है इसमें सारे के सारे इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इसकी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरी ये वाली जो रो है, ये वाली रो ये बड़ी है थोड़ी सी, ठीक है, इसकी स्पेसिंग थोड़ी बिट ज्यादा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन मैंने डिस्ट्रीब्यूट ड्रॉ किया, तो मेरी सारी जो रोज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। देन हम लोग आप लोगों को मैं एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या बताऊं, हमारे पास इस तरह से हम लोग जो है रोज एंड कॉलम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें एक रो को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये हम जब एक्सेल पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने एक क्लिक किया तो इंसर्ट अबव हो रहा है, इंसर्ट बिलो हमारे पास हो रही है, ठीक है। अब हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स के लिए मुझे कॉलम सिलेक्ट करना होगा, और इसके कॉलम के लेफ्ट साइड पे मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, मैं इसी तरह से राइट साइड पे ऐड कर सकती हूँ। तो हमारे पास इस तरह से अब मर्ज सेल किसी को अंदाजा है क्या है, कौन मुझे बताएगा, मर्ज सेल एंड स्प्लिट सेल्स, यह हम लोगों ने HTML में भी पढ़ा है एक पैटर्न, इसका नेम थोड़ा सा मॉडिफाई है, अदरवाइज हमने ये पढ़ा है।